नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पंचायत चुनावों में विजय हासिल करने वाले दर्जनों गांवों के नवनियुक्त सरपंच समस्त पंचायत समेत हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से आशीर्वाद देने के लिए लगातार उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में उनके आवास पर कई गांवों से नवनियुक्त सरपंच पंचायत सदस्यों समेत पहुंचे, जहां गृह मंत्री अनिल विज ने उनका हार्दिक स्वागत किया। अनिल विज ने कहा कि नवनियुक्त सरपंच जनहित में बेहतर कार्य करते हुए जनसेवा में लगे। उन्होंने सरपंच और पंचों को आशीर्वाद देते हुए उनका मुंह भी मीठा करवाया। गृह मंत्री के आवास पर आनंदपुर गांव से सरपंच बलजिंदर कौर समेत पंच कोमल रानी, चंचल भूषण प्रकाश, रेणुबाला, राजेश केशवदास, ज्वाला राम और पंच गुरदयाल ने आशीर्वाद दिया। इसके अलावा जलबेड़ा से सरपंच निर्मला देवी समेत करनैल सिंह, मनिंदर सिंह, मिप्पी, रामेश्वर दास, कमल काला, डिंपल और रणधीर समेत अन्य ने आशीर्वाद लिया। खानपुर गांव से नवनियुक्त सरपंच अंग्रेज सिंह और गांव ठहरवा से गुरुदेव सिंह ने अन्य पंचायत सदस्यों के साथ गृह मंत्री अनिल विज का आशीर्वाद लिया। इसी प्रकार भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रांतीय सचिव बिट्टू गुर्जर और मुलाना के पूर्व सरपंच नरेश चौहान के नेतृत्व में सहा ब्लॉक क्षेत्र के कई गांवों के नवनियुक्त सरपंचों और पंचों ने अनिल विज से आशीर्वाद लिया। गांव टोबा के सरपंच ब्रजपाल राणा, खेड़ा के सरपंच चरण सिंह, तेपला से गगनदीप कौर, दिनारपुर से जोगिंदर लाल, खानपुर संगदीप सिंह, बिहटा से नरेश कुमार और मलिकपुर से सरपंच संजीव शर्मा समेत अन्य ने गृह मंत्री अनिल विज से आशीर्वाद दिया। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।